हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साबित हुआ है, जो रिपोर्ट दी गई है, कि सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है किसी तरह का, लेकिन परिवार के लोगों को शायद इस पर अभी भी शक है। और दूसरे की जिस दर्दनाक तरीके से लड़की की मौत हुई है, पुलिस की कोताही या लापरवाही पर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि वक्त रहते अगर पुलिस पहुंचती या वहां पर पीसीआर वैन को जब कॉल किया गया था वो वक्त पे पहुंचती तो शायद इस लड़की को बचाया जा सकता था। बड़े सवाल खड़े होते हैं सड़क सेफ्टी के ऊपर भी, चाहे वो लड़की थी या लड़का कोई होता, लेकिन सड़क सेफ्टी दुर्घटना जिस तरह की हुई है, यानी कि इसमें मामला रैश ड्राइविंग का है, मामला इसमें शराब पीकर गाड़ी चलाने का है, और ख़ास करके 31 दिसंबर की रात को जब काफ़ी चेकिंग होती है इन मामलों के लिए कि कहीं कोई शराब के नशे में तो गाड़ी नहीं चला रहा, ये पांचों लड़के जिनके लिए अब ये बहाना है कि वो शराब के नशे में धुत थे, इसलिए उन्हें समझ में नहीं आया कि वो एक लड़की को घसीट रहे हैं अपनी गाड़ी में और तेज़ आवाज़ में गाड़ी में म्यूज़िक चल रहा था। तो ये तमाम सवाल हैं जो कि सड़क पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर भी सवाल खड़े करते हैं। इसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो सौंप दी गई है, अस्पताल ने सौंप दी है पुलिस को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है। हम आपको बता दें कि मेडिकल बोर्ड ने दिल्ली पुलिस को जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी है, दिल्ली पुलिस ने ये कहा है कि रिपोर्ट बताती है कि सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है। सर रीढ़ बाएं फीमर यानी कि पैर की जो लंबी हड्डी है, जो जांघों की हड्डी होती है, वहाँ पे वो फीमर दोनों पिछले निचले अंगों में चोट है। मौत से पहले चोट की वजह से सदमा भी हुआ है और काफ़ी खून बहा है। इसके अलावा एक ब्लंट फोर्स के प्रभाव से आई सभी चोटें वाहन दुर्घटना और घसीटने से संभव हैं। अंतिम रिपोर्ट जो है वो जल्द ही मिलेगी और मामले की आगे जाँच की जा रही है। इस मामले में पुलिस लगातार कह रही है कि ये एक्सीडेंट का केस है, पीड़ित के साथ कोई भी बुरा सलूक या दुर्व्यवहार या सेक्सुअल असॉल्ट या रेप जैसी का घटना जो है वो नहीं हुई है। आपको सुनाना चाहेंगे कि इसके ऊपर स्पेशल सीपी ने, पुलिस के जो स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, उन्होंने इसमें क्या जानकारी दी है अब तक। सुल्तानपुरी इंसिडेंट में दिल्ली पुलिस ने एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कराया था। मेडिकल बोर्ड ने कल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया था और आज उस पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की प्रोविजनल रिपोर्ट हमें मिली है। प्रोविजनल रिपोर्ट के आधार पर जो डेथ है वो एंटीमार्टम इंजरीज की वजह से हुई है, जिसमें शॉक एंड हेमरेज उसका मेन कारण है। और जो ये डेथ है, ये जो ड्रैगिंग है बॉडी की, उसकी वजह से हुई है। इसके अलावा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में जो बॉडी का एग्जामिनेशन होता है उसके आधार पर कोई ऐसी इंजरी नहीं है जो ये सजेस्ट करती हो कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट अभी हमें मिलेगी ड्यू कोर्स में, और अभी इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है।